नमस्कार, स्टेटम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर राष्ट्रपति भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की। 5 दिवसीय विदेशी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव इटली की राजधानी रोम में हैं। रविवार को प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में इतर अन्य वैश्विक नेताओं के साथ यहां स्थित प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन देखने पहुंचे। ये फाउंटेन इटली के सर्वाधिक दर्शनीय स्मारकों में से एक है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को पूर्व मंत्री प्रेम सागर और पूर्व विधायक कमल अरोड़ा समेत कई अन्य नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, दविंदर सिंह राणा समेत कई पार्टी नेता यहां पर मौजूद थे। लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने लद्दाख फाउंडेशन डे के मौके पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के नए लोगों का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने लोगो कॉम्पिटिशन जीतने वाले अभिषेक सिन्हा को नकद इनाम भी दिया। बीजेपी द्वारा पार्टी हेडक्वार्टर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के सिलसिले में आयोजित किया गया था। हम सब जानते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने वाले सरदार पटेल जी ने बहुत मेहनत की और आज उनकी जन्म जयंती 31 अक्टूबर के दिन हम सब यह संकल्प लेते हैं कि हम सरदार पटेल जी द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर अपने देश को, अपने भारत को मजबूत करेंगे। नेशनल यूनिटी डे के मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से भी एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। मकसद यही है कि यूनिटी, हमारी यूनिटी इस वक्त बहुत जरूरत है, यूनिटी की हर लेवल पे जरूरत है। और आज सरदार वल्लभभाई पटेल जी का जन्मदिन भी है। शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। देखिए, लगातार पेट्रोल और डीजल के कीमतों के अंदर बढ़ोतरी जारी है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़े हों। एक हफ्ते में 5 बार, अक्टूबर महीने की बात करें तो 1 महीने में 24 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। अच्छे दिनों का इंतजार जनता पिछले 7 सालों से कर रही थी और हमें महसूस होता है, जनता को महसूस हो रहा है कि इस समय वो सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनको आयरन लेडी का खिताब भी यहाँ पे मिला और तीसरी पहला महिला प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें यहाँ पे काम यहाँ पे किया है, आज हम उनको श्रद्धांजलि श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा श्रीनगर में नेशनल यूनिटी डे के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। और आज का ये जो प्रोग्राम रन फॉर पीस और रन फॉर यूनिटी, आज आपको पता है कि नेशनल लेवल पे यूनिटी डे भी है, जहां पर हम लोग सब हर बरादरी, हर भाईचारा मिलके एक दूसरे के साथ मुल्क की तरक्की और सलामियत के लिए काम करने के लिए प्लज लेते हैं, कसम लेते हैं। वो दिन भी है आज। आज के प्रोग्राम में कुछ 700 से ज्यादा बच्चों ने, बुजुर्गों ने, बच्चियों ने और सब तरह की जो कैटेगरीज में लोगों ने हिस्सा लिया, आपके सामने अभी प्राइज सेरेमनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ की तरफ से भी नेशनल यूनिटी डे के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर इस दिन को मनाया गया। डीसी कठुआ राहुल यादव ने रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर आयोजित किया गया था। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट यूनिट पुंछ की तरफ से भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया गया। आज यहाँ फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जो यूनिट है पुंछ डिस्ट्रिक्ट, उसकी तरफ से एक रन फॉर यूनिटी आज सभी यहाँ ऑर्गेनाइज की। आप सभी जानते हो कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, बहुत बड़ा दिन है, तो एक संदेश दिया कि आपस में मिलजुल के रहना है, क्योंकि आपसी भाईचारा अगर हमें हमें रहेगा तो बाहरी ताकतें जो हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं वो कामयाब नहीं होंगी।
आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। इनकी मुख्य मांग इनकी पेंडिंग सैलरीज को रिलीज करने की है। बहुत लंबे अरसे से हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अभी तक इस सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, ना तो सेंटर हमारा कोई निर्णय लेती है, ना ही हमारी स्टेट निर्णय लेती है। स्टेट टाइम न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।